Welcome SVPIs to presentation on chapter number 9, safety rules, and this is part 3 of our presentation, which is our final presentation. So, students, we have completed our chapter in our previous presentation. Today we will go through the question answers. Okay, so number one: A PUT put, put a tick on the correct option. सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट मतलब सही ओ पी टी आई ओ एन सो टी आई ओ एन जहां पे भी होता है उसका प्रोनाशिएशन क्या होता है शन एंड ओ पी क्या होता है ऑप सो ऑप्शन ऑप्शन मतलब पता है ना आपको क्या होता है मतलब वॉट इज़ अ राइट थिंग उस पर आपको टिक करना है नंबर वन डू नॉट प्ले विद इट तो आपको किसके साथ नहीं खेलना चाहिए डू नॉट प्ले विद इट मतलब इसके साथ मत खेलिए अब आपके ऑप्शन देखिए किसके साथ मत खेलिए ए टॉयज़ बी गेम्स सी ब्लेड किसके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए विद ब्लेड्स राइट वाई बिकॉज ब्लेड इज अ शार्प ऑब्जेक्ट नाउ नंबर टू इट इज नॉट केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये नहीं रखी जाती है इट मतलब ये और कीप मतलब रखना नॉट मतलब नहीं सो so, इनमें से कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखी जाती है नंबर ए बुक्स बी मेडिसिन या सी कॉटन वूल तो फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या नहीं रखते हो यू डोंट कीप बुक्स ओके नाउ नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स सो फिल इन द ब्लैंक नंबर वन डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद डैश हैंड्स डू नॉट टच मतलब टच मत करिए किसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस को एसडब्ल्यू आई टी सी एच ई एस स्विच ओके स्विच कौन से होते हैं जिनसे बटन से आप ऑनऑफ करते हो ना सो डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ डैश कौन से हैंड से हमें टच नहीं करना है वेट हैंड ओके सो डब्ल्यू टी वेट हैंड ओके नंबर टू स्टैंड इन अ डैश एट द बस स्टॉप ओके स्टैंड मतलब खड़ा खड़े रही है इन अ डैश एट द बस स्टॉप तो बस स्टॉप पे आप आपको कैसे खड़े रहना चाहिए इन अ क्यू क्यू यू ई यू ई ओके नेक्स्ट वन थ्री नंबर थ्री नंबर थर्ड डू नॉट प्ले नियर डैश वायर्स सो डू नॉट प्ले नियर कौन से वायर्स के पास नहीं खेलना चाहिए हमें बी ए आर बी ई डी बार्ब ओके बी ए आर बीई डी बाब मतलब कटीले तारों के पास नेक्स्ट वन प्लेस डैश ऑन बर्ंट एरिया तो बर्ंट एरिया पर आपको क्या प्लेस करना चाहिए आइस क्यूब्स ओके आई सी ई आइस सी यू बी ई एस क्यूब्स ओके सो प्लेस आइस क्यूब्स ऑन द बर्ंट एरिया क्लियर नाउ नंबर सी कलर द पिक्चर्स विच शो दैट सेफ्टी हैबिट्स आर बींग फॉलोड तो आपको कलर करनी है पिक्चर्स कौन सी पिक्चर्स कलर करनी है विच शोस जो कि शो करती है दैट की सेफ्टी हैबिट्स आर बींग फॉलोड सेफ्टी हैबिट्स जो है वो फॉलो हो रही हैं नाउ लुक एट दिस बॉय ही इज वॉकिंग ऑन वॉट ही इज क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग सो इसको आप कलर करेंगे ओके बिकॉज ये सेफ्टी फॉलो हो रही है इसमें लुक एट दिस बॉय ही इज ट्राइंग टू गेट इन इन अ मूविंग बस वो मूविंग बस में क्या है गेट इन करने की कोशिश कर रहा है घुसने की कोशिश कर रहा है चढ़ने की कोशिश कर रहा है so, सो इसको कलर नहीं करना है लुक एट दिस बॉय ही इज लीनिंग आउट ऑफ द विंडो ये जो है मूविंग बस में से बाहर लीन कर रही है ये जो बच्ची है सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए गुड प्रैक्टिस दिस इज नॉट सेफ इसको कलर मत करना एंड देन सी है

नाउ लेटस गो टू क्वेश्चन नंबर डी आंसर इन ब्रीफ ए एन एस आंसर इन ब्रीफ मतलब आपको ब्रीफ मतलब शॉर्ट में आंसर करना है नंबर वन हाउ आर एक्सीडेंट्स कॉस्ट हाउ मतलब कैसे एच ओडबल्यू हाउ हाउ मतलब कैसे ए डब्ल सी आई डी ई एन टी एस एक्सीडेंट्स मतलब आपको पता ही है कॉस्ट सी ए यू एस सी डी कॉस्ट मतलब होना तो एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं कारण क्या होता का? okay. so, इसका answer है एक्सीडेंट का ओके सो इसका आंसर है एक्सीडेंट्स आर कॉज इफ आई एफ इफ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड ओके सो दिस इज द आंसर इफ का मतलब यदि तो एक्सीडेंट्स कब होते हैं यदि सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं सो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इफ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड नाउ नेक्स्ट वन नंबर टू वेयर शुड यू वॉक ऑन द रोड वेयर मतलब कहाँ पे शुड मतलब चाहिए यू मतलब आपको वॉक आपको बताइए ऑन द रोड सो रोड पे आपको कहां पे वॉक करना चाहिए वेयर मींस कहा कैन यू टेल मी द आंसर ओके सो इसका आंसर है वी शुड वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक ऑन एफ डबल ओ टी फूट पी ए टी एच पाथ वी शुड वॉक ऑन फुट पाथ क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ कैन यू कीप सेफ एट स्कूल हाउ मतलब कैसे यू कीप मतलब यू का मतलब आप कीप मतलब रखना सेफ एट स्कूल मतलब आप स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हो आपको कोई भी टू पॉइंट राइट करने राइट सो यू सी हेयर दिस आर ऑल सेफ्टी इन स्कूल ठीक है ये सब क्या है सेफ्टी इन स्कूल है सो so, यू कैन राइट एनी टू कौन कौन से ऑप्शन है डो नॉट रन इन द कॉरिडोर्स डो नॉट पुश और पुल नियर स्विंग एंड स्लाइड्स वेट फॉर योर टर्न डो नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम डो नॉट प्ले नियर बाब वायर्स डो नॉट कीप बैग्स एंड बॉटल्स ऑन द फ्लोर एज दे कैन ब्लॉक द वे ये सब क्या है आपके सेफ्टी रूल्स हैं इन द स्कूल क्लियर नाउ नंबर फोर वॉट इज द फर्स्ट एड मतलब वॉट का मतलब क्या वॉट का मतलब क्या सो वॉट इज फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड क्या होती है वॉट इज फर्स्ट एड सो यू सी इसका आंसर इधर है नाउ आई नो मै वॉट इज द आंसर फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन क्लियर दिस इज द आंसर सो आपको ये आंसर लिखना है ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ए एंड वॉट यू हैव हैव टू टू डू यू मैच द सिंबल्स टू देयर लेटस्ट डू दिस नंबर वन अगेन मैच द सिंबल टू देर मीनिंग्स आपको क्या करना है ये जो सिंबल है उनको मीनिंग से मैच करना है नंबर वन नंबर वन में क्या है देर आर लाइन्स लाइक दिस ओके सो इसका मतलब क्या है रेलवे क्रॉसिंग का दिस सिंबल इज फॉर रेलवे क्रॉसिंग सो ये हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग अड ठीक है देन नेक्स्ट वन यू सी वट इज दिस नेक्स्ट वन यू राइट वन पी एंड पी को राइट करके दे पी को राइट करके यू आर क्रॉसिंग दिस दैट मीन पी फॉर पार्किंग और ये क्रॉसिंग का मतलब नो पार्किंग सो दिस इज नो पार्किंग सो दिस इज नो पार्किंग ठीक है नाउ यू सी दिस बॉय इज क्रॉसिंग द रोड राइट दिस बॉय इज क्रॉसिंग द रोड सो दिस इसको क्या बोलेंगे जो पर्सन वॉक करता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन सो दिस मीन्स दिस सिंबल इज फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन मतलब वॉक करने वाला पैदल चलने वाला ठीक है एंड देन इज़ द लास्ट वन लास्ट वन में क्या है एक एरो है, एरो लाइक दिस ओके एरो लाइक दिस एंड सो वॉट इज इट देर इज अरो हम ऐसे क्रॉस करते हैं ओके okay? सो so, इसको क्या बोलते हैं वी कैन नॉट एंटर ओके इसका मतलब है नो no एंट्री उस जगह पे हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते सो दिस इज नो एंट्री क्लियर वेरी गुड नाउ नेक्स्ट वन बी आइडेंटिफाई आई डी ई एन टी आई डेन टी आई एफ आई टीफाई सो आइडेंटिफाई द पिक्चर आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना सो so, आपको क्या करना है पहचानना है क्या इस पिक्चर को सो so, आपको अब आप अच्छे से पता है कि यह पिक्चर क्या है

तो हम इसको जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं हैव यू सीन जेब्रा जेब्रा में क्या होता है ब्लैक और वाइट की स्ट्राइप्स होती है ना जेब्रा में ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं सो सिमिलरली रोड का कलर क्या होता है आपका ब्लैक और ब्लैक पे आप क्या करते हैं वाइट स्ट्राइप्स करते हैं सो वाई वी कॉल जेब्रा क्रॉसिंग बिकॉज 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 बी ई सी ए यूएस बिकॉज मतलब क्योंकि इट लुक्स एल डबल ओ के एस लुक्स मतलब दिखना एल आई के ई लाइक जेब्रा स्ट्राइप्स इट लुक्स लाइक अ जेब्रा स्ट्राइप्स मतलब ये जेब्रा की स्ट्राइप होती है ना वैसी लगती है जेड ई बी आर एके क्लियर विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर नंबर नाइन यू प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन ऑन यूर ओन अगेन थैंक यू